मध्य प्रदेश के गुना जिले में सेन समाज विकास संगठन का महिला सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। वहीं महिला अध्यक्ष रानी सेन द्वारा बताया गया है कि महिला सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को रोजगार के अवसर, रोजगार को बढ़ावा देना एवं महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस प्रकार से महिलाओं को आगे लाकर प्रति क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। गुना जिले के कक्षा 10वीं और 12वीं के 70% से अधिक अंक पाने वाले समाज के 70 मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान कर उत्साह वर्धन किया गया। सेन समाज से विभिन्न खेलों एवं अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि पाने वाले छात्र छात्राओं और युवाओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं सेन समाज से पत्रकारिता में जुड़े लोगों को भी सम्मानित किया गया। हमारा महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग के बारे में जो घर बैठे वो अपना कार्यक्रम करती रहे, घर बैठे बहुत से पापड़ बड़ी का उद्योग है, इसके अलावा वो बत्ती बना सकती हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महिलाएं अपने घर बैठ के कर सकती हैं। इसके अलावा जो अन्य बच्चे हैं अदर एक्टिविटीज में आगे हैं, स्पोर्ट्स में हैं, जिसमें स्पोर्ट्स हैं, पढ़ाई लिखाई, अन्य बहुत सारी गतिविधियों में बच्चे आ गए, उनका सम्मान समारोह रखा गया और साथ में उनके माता पिता का सम्मान रखा गया। क्या नाम है? रानी मोना। महिला सम्मेलन है तो आप समाज की महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? हमारी समाज की महिलाओं के लिए यही संदेश है कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें और अपना हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने बच्चे या अपनी एक्टिविटीज में वो हमेशा सबका साथ दें और जो उनसे बने बाहर जाके अंदर घर में रखे कई उद्योग के विषय में जानकारी कर सकती हैं और बहुत सारे ऐसे वो हैं कर सकती हैं। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।